हेलो एवरीवन वेलकम टू परफेक्शन आइएस और परफेक्शन आइएस में आज हम 69 नाइन बी पी एस सी मेन्स एग्जामिशन के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेगमेंट को डिस्कशन करने का एक सिलसिला शुरू करेंगे इसमें पॉलिटी के सेक्शन को अभी मैं डिस्कस करने के लिए आपके साथ जुड़ रहा हूँ तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चनस क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे मेन्स एग्जामिनेशन के लिए क्योंकि इससे आपको एक जो रिक्वायरमेंट है हमारे इस बी पी एस सी मेन्स एग्जामिशन का उसका भी पता चलता है और साथ ही साथ जो चेंजिंग पैटर्न है हमारे बीपीएससी के मेन एग्जामिनेशन में जो देखा जा रहा है पिछले दो तीन सालों में उसके थ्रू आप फर्दर जो हमारे जो प्रोजेक्शंस है फर्दर क्वेश्चंस की जो एस्टिमेशन्स है उसको भी आप एनालाइज अच्छे से कर सकते हैं तो इस सीरीज़ में आज जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं उस क्वेश्चन के बारे में अगर बात करें तो सिक्सटी सिक्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है एंड द क्वेश्चन से इज द रोल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज लाइक एन ओल्ड मैन इन द फैमिली हु हैज़ ऑल द अथॉरिटीज़ however he ही कैन नॉट डू if the इफेक्टिव इफ द of ऑफ द फैमिली डू नॉट to टू evaluate इवेलुएट इस तरह के क्वेश्चन अगर आप बीपीएससी की हम बात करें तो ये सिक्सटी फिफ बीपीएससी से पहले इस तरह के क्वेश्चन देखे नहीं जाते थे मेजरली स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस और वहां पर आपका ओपिनियन जानना इवेलुएशन पूछ रहा है तो यह स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है तो आपको डेफिनेटली क्वेश्चन का जो कंटेंट होगा हमारा जो आंसर प्रिपरेशन होगा उसका बहुत ज़्यादा उसमें चेंजेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है लेकिन क्वेश्चन में जो जो कीवर्ड्स यूज होते हैं उन सारे कीवर्ड्स को एड्रेस करने पर ही कंप्लीट जस्टिस आप उस क्वेश्चन को देंगे इसीलिए ये जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं स्टेटमेंट वाले उन क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा ज़्यादा कॉशियसली अपने आंसर को फ्रेम करना है जैसे कि अगर मैं इस क्वेश्चन को एक सिंपल टर्म्स में आपके सामने रखूँ कि क्या चीज़ डिमांड है द डिमांड इज क्वेश्चन पूछ रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट इन इंडिया क्वेश्चन का डिमांड यही है और कुछ नहीं है लेकिन पूछने का तरीका या जो उसके जो स्टेटमेंट्स है फ्रेज यूज किया गया है हमको उसको भी एड्रेस करना पड़ेगा क्वेश्चंस को इस तरह से भी घुमा के पूछा पूछा जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में और क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि प्रेसिडेंट हैज़ बिन गिवन ऑल गन्स विदाउट बुलेट प्रेसिडेंट को सारे गन्स दिए गए हैं बट बुलेट्स नहीं दिया गया एग्जामिन अगेन द क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट इन इंडिया तो ये समझ तो हम जा रहे हैं कि हमें क्या चीज इसके अंदर आंसर को लिखना है लेकिन जो क्वेश्चन के अंदर हमने इतने सारे कीवर्ड्स देखे हैं उन कीवर्ड्स को बिना एड्रेस किए जस्टिस नहीं मिलेगा तो फिर से क्वेश्चन को पढ़ेंगे रोल ऑफ द प्रेसिडेंट तो रोल एक इंपॉर्टेंट यहां पर कीवर्ड है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो रोल है वो एक ओल्ड मैन जो फैमिली में है उसके जैसा है जिसके पास सारे अथॉरिटीज हैं और यहां पर फिर कॉमा लगा हुआ है तो अथॉरिटीज है कहीं ना हमारा सेकेंड इंपॉर्टेंट कीवर्ड अथॉरिटीज इज सेकेंड इंपॉर्टेंट की वर्ड ठीक है ये दूसरा इसके बाद अगर हम लोग समझेंगे तो अथॉरिटीज के बाद कौमा है हाउएवर लेकिन ये कुछ भी इफेक्टिवली नहीं कर सकते अगर जो नोटी यंग मेम्बर्स हैं फैमिली के अंदर वो इनकी बात नहीं सुने इसको इवेलुएट करना है तो यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रेसिडेंट के रोल जो है इंडिया में देखा जा रहा है वो किसके जैसा है एक ओल्ड मैन जो फैमिली में होते हैं उसके जैसा जिसके पास सारी अथॉरिटीज़ तो है लेकिन अगर उसके फैमिली के जो यंग मेंबर्स हैं वो उसकी बात नहीं सुने तो वो इफेक्टिवली कुछ भी नहीं कर पाएगा तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन का जो डिमांड है ये डिमांड इसके अकॉर्डिंग है कि हमारे देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम है और पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर जो डुबल एग्जीक्यूटिव वाला पॉइंट आता है उस डुबल एग्जीक्यूटिव के अंदर ही हमको क्या देखने को मिलेगा कि हमारे यहां रियल और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव का कॉन्सेप्ट है रियल एग्जीक्यूटिव आप जानते हैं पी एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होते हैं प्रेसिडेंट तो यही रीजन है क्योंकि ये नॉमिनल हेड है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है इसलिए इनके पावर्स इनके पास पावर्स तो होंगे लेकिन वो ये पावर्स अपने मन से एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे बिकॉज द पावर टू बी एक्सरसाइज इन अकॉर्डेंस विद द रियल एग्जीक्यूटिव इसी को समराइज करना है क्वेश्चन का डिमांड तो यही है लेकिन हम फ्रेम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन के आंसर को तो सबसे पहले अगर आप जाएंगे इंट्रोडक्शन के ऊपर तो इंट्रोडक्शन में हम लोगों को क्या करना है इंट्रोडक्शन में हम लोगों को प्रेसिडेंट के ऊपर या तो आप कोई कोट यूज कर सकते हैं जैसे बी आर अम्बेडकर के द्वारा यूज कोट्स हैं कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिप्रेजेंट्स द नेशन तो उनमें से कोई कोट को हम लोग यूज कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली अगर आप बात करेंगे प्रेसिडेंट को लेकर इंट्रोडक्शन के लिए इस क्वेश्चन में तो हम लोग लिख सकते हैं पार्लियामेंट्री सेटअप से स्टार्ट कर सकते हैं कि इन आवर पार्लियामेंट्री सेटअप प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव एंड हैज बिन डिस्कर पार्ट फाइव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वह हम लोग कॉन्स्टिटन प्रोविजन के साथ इसका इंट्रोडक्शन ले सकते हैं प्रेसिडेंट का तो ये आप इंट्रोडक्शन में प्रेसिडेंट के प्रोविजन को लिखकर हम लोग समझाएंगे ये हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट हुआ अब क्वेश्चन के पहले की वर्ड पर आते हैं रोल और अथॉरिटी इन दोनों की वर्ड्स को लिखने का जो मेन पर्पज आपको समझना है वो ये था कि हमें प्रेसिडेंट का रोल बतलाना है कैसे वो ओल्ड मैन के जैसा है जिसके पास सारे अथॉरिटीज़ हैं तो पहले अथॉरिटीज़ को एड्रेस करने के लिए आपको क्या समझाना पड़ेगा यहां पर हमें अथॉरिटीज को एड्रेस करने के लिए अथॉरिटीज वर्ड क्योंकि इसके बाद कॉमा दिया हुआ है तो अथॉरिटी इनके पास सारा होगा इसको समझाने के लिए हमको इनके जो अलग अलग अथॉरिटीज़ दिए गए हैं और वो रोल के फॉर्म में लिखना है क्योंकि रोल इज़ अ ही तो एग्जीक्यूटिव रोल लेजिस्लेटिव रोल फाइनेंशियल रोल जुडिशियल रोल इमरजेंसी रोल तो ये इस तरह से हम लोग जो इनके पावर्स हैं प्रेसिडेंट के इनमें से कुछ कुछ पावर्स एग्जीक्यूटिव में कुछ अपॉइंटमेंट्स वाला पावर लिखा लेजिस्लेटिव में सेशन बुलाना सेशन खत्म करना बिल को असेंड देना ऑर्डिनेस जारी करना फाइनेंशियल पावर की मानी बिल इनके परमिशन से ही आ सकता है बजट को पेश करने के रिस्पॉन्सिबिलिटी इमरजेंसी रोल की तीन तरह का इमरजेंसी लगा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन ग्राउंड्स, मिलिट्री रोल ये जो सुप्रीम कमांडर होते हैं डिफेंस फोर्सेस के इन सारी हम लोग रोल्स को जो अथॉरिटीज इनके पास हैं, उनको समराइज करेंगे एक पेज में शॉर्ट और क्रिस्प फॉर्म में लिखना होगा तो इससे हमारा ये वाला कीवर्ड एड्रेस हो जाएगा दैट इज हीज ऑल द अथॉरिटीज और इनके रोल हमने उसके अकॉर्डिंग समझा दिया अब यहां पर आया हाउ एवर कैन नॉट डू एनीथिंग इफेक्टिव वो कुछ भी इफेक्टिवली नहीं कर सकते हैं अगर जो इन यंग मेम्बर्स है वो उनकी बात ना सुने इस फ्रेज को एड्रेस करने के लिए हमें जाना पड़ेगा जो अगला सेक्शन है दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन किसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन तो अब आप यहां पर क्या दिखाएंगे जहां आपने रोल्स कंप्लीट किया है अथॉरिटी दिखा दिया है उसके जस्ट नीचे अब आपको क्या करना है लिखना है एक कनेक्टिंग लाइन जाएगा जो कि हम एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जब जंप करते हैं तो डायरेक्टली जंप ना करेंगे कनेक्टिंग लाइन चाहिए होता है और कनेक्टिंग लाइन यहां पर आप क्या लिखेंगे ऑल दबव अथॉरिटीज ऑफ प्रेसिडेंट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन

प्रोवाइडेड दैट देर शैल बी अम हेडेड बाई पी एम टू एड एंडवाइस टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट इन एक्सरसाइज ऑफिस फंक्शन यानी कि प्रेसिडेंट को जो भी फंक्शन दिया गया जो हमने ऊपर डिस्कस किया उन फंक्शन को एक्सरसाइज करते समय उनको एड एंड एडवाइज करने के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहेगा जिसको हेड करेंगे प्राइम मिनिस्टर ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ था फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नाइनटीन सेवेंटी सिक्स ने इस एडवाइस को प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग बना दिया दट प्रकॉर्डेंस विद सच एडवाइस यानी कि हमने जो भी अथॉरिटीज प्रेसिडेंट का देखा उन अथॉरिटीज में हमने क्या समझा कि यह अथॉरिटी यह फंक्शन प्रेसिडेंट को मिला जरूर है लेकिन वो इसको एक्सरसाइज किसके एडवाइस पर कर पाएंगे ऑन द एडवाइस ऑफ सी ओ एम हेडेड बाई पी एम इसी वो अपने मन से इफेक्टिवली कुछ भी नहीं कर सकते तो ये पार्ट आप समझाएंगे कि फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट ने इस एडवाइस को बाइंडिंग करके और प्रेसिडेंट का डिस्क्रिप्शन कम कर दिया लेकिन जब हम इस बात को समराइज कर देंगे तो हमें एक चीज़ समझने को मिलेगा कि हम इससे क्या सिग्निफाई कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट का फिर ऑफिस या प्रेसिडेंट का रोल इंडिया में बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा इसीलिए हम लोग यहाँ पर आंसर एंड नहीं कर सकते हमारा आंसर एंड होगा इसके बाद जो हम लोग एक और डिस्कशन का एरिया समझेंगे एंड दैट इज हम लोग यहां पर देखेंगे कि डिस्पाइट ऑल दी आप ऐसा कनेक्टिंग लाइन लिखेंगे अगेन यहां पर कि डिस्पाइट दबव रिस्ट्रिक्शन पोस्ड बाई आर्टिकल सेवेंटी फोर और प्रेसिडेंट ओनली बीइंग द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इज हाईली सिग्निफिकेंट इन इंडिया बिकॉज ही पोजेज इज द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शनरी पावर्स वेयर ही एक्सरसाइजेज दिस पावर इंडिपेंडेंट ऑफ एनी वन दैट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यहां पर वो अपने मन से ये सारे पावर्स एक्सरसाइज करेंगे यहाँ पर वो किसी के एडवाइस के द्वारा बाउंड नहीं रहेंगे और उसमें हम लोग फिर डिस्क्रिप्शनरी पावर जो प्रेसिडेंट का है उसको लिखते जाएंगे जैसे अपॉइंटमेंट ऑफ पी एम अगर हंग पार्लियामेंट है यानी किसी को मेजोरिटी नहीं है इसके अलावा डिस्क्रिप्टरी पावर्स की अगर हम बात करेंगे तो और भी प्रेसिडेंट ऐसे एरियाज है जहाँ पर वो अपने मन से एक्शन ले सकते हैं जैसे कि अगर हम बात करें सस्पेंसिव वीटो का यानी कि किसी बिल को वापस भेज देना एक बार रिकन्सिड्रेशन के लिए अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो आर्टिकल 78 आपको मालूम है कि 78 के अंदर प्रेसिडेंट किसी भी समय इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं प्राइम मिनिस्टर से किसी भी मैटर के लिए यूनियन के और प्राइम मिनिस्टर को वो इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा तो देर आर सर्टेन एरिया जहां पर प्रेसिडेंट अपने डिस्क्रिप्शन पे काम कर रहे हैं इंडिपेंडेंट ऑफ सीओ और इसमें लास्ट में आप सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एड करेंगे द फोर्टी अमेंडमेंट एक्ट नाइनटीन आर्टिकल 74 जो एडवाइस को बाइंडिंग बनाता है उसमें एक चीज ऐड किया गया एक प्रोविजन ऐड किया गया कि कोई भी एडवाइस जो प्रेसिडेंट के पास जाएगा वो उस एडवाइस को एक बार वापस भेज सकते हैं रिकंसिडरेशन के लिए नाउ दिस इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट प्रोविजन और मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्क्रिशनरी पावर बिकॉज अगर कोई एडवाइस प्रेसिडेंट के पास सीओ कलेक्टिवली भेज रहे हैं पीएम के द्वारा हेडेड और वो एडवाइस प्रेसिडेंट अगर वापस भेजते हैं रिकन्सिडरेशन के लिए देन दैट विल गो इन पब्लिक डोमेन और पब्लिक डोमेन में जब ये बात जाएगी तो ऑब्वियस ये गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी को बढ़ा सकती है जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बार यू यूपी में प्रेसिडेंट रूल के लिए जो एडवाइस प्रेसिडेंट के पास गया था तो के आर नारायण ने उस एडवाइस को वापस भेजा था रिकन्सिडरेशन के लिए और फिर दोबारा वो एडवाइस आया ही नहीं दैट मीन्स कि इस पर्टिकुलर प्रोविजन से प्रेसिडेंट कोई भी हैस्टी डिसीजन अगर गवर्नमेंट का उसको रोक सकते हैं अपने पर्टिकुलर डिस्क्रिशन पे तो ये भी प्रोविज़न जो है दिखला रहा है कि हमारे पार्लियामेंट्री सेटअप में भी प्रेसिडेंट का ऑफिस बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट नहीं होगा जब लास्टली हम कंक्लूज़न की बात करेंगे तो आप कंक्लूज़न में बी आर अम्बेडकर ने जो भी प्रेसिडेंट को लेकर जस्टिफिकेशन दिया है जो प्रेसिडेंट के रोल को लेकर उसको हम लोग पूरा कोट कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में उन्होंने ये बात यूज़ की थी और उन्होंने कहा था कि जो प्रेसिडेंट हमारा इंडिया का है वो सिर्फ नाम में यूएस के प्रेसिडेंट से रिजेंबल कर रहा है बाकी जो इसका ऑफिस है ये ज्यादा रिजेंबल करेगा ब्रिटेन के मोनार्क से क्योंकि हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सेटअप है सो ही विल रिप्रेजेंट द नेशन बट विल नॉट रूल द नेशन एंड यू हैव टू एक्ट ऑन द एडवाइस एंड अकॉर्डिंग टू द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विच इज अ रियल एग्जीक्यूटिव तो उसी बेसिस पे हम लोग इसको कंक्लूड कर सकते हैं ठीक है तो जो क्वेश्चन हमने देखा इस क्वेश्चन के थ्रू आप क्या समझने आपको मिल रहा है कि क्वेश्चन जब फ्रेम किया जाएगा स्टेटमेंट वाइज तो इन क्वेश्चन में हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना है आपको कि जो भी कीवर्ड्स हैं आपको उसको भी एड्रेस करना होगा जो क्वेश्चन का डिमांड है आप भले ही समझ जाओगे कि क्या पूछा गया है बट फिर भी जो हमारे कीवर्ड्स हैं अगर हम उन कीवर्ड्स को एड्रेस नहीं कर पाएंगे तो पूरी तरह से उस आंसर का जस्टिफिकेशन नहीं हो पाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम लोग फिर मिलेंगे थैंक यू सो मच